नमस्कार न्यूज़ क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है आइए नजर डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर देश में रिकॉर्ड 26506 नए मामले कुल संक्रमितों की संख्या 8 लाख के करीब पहुंची कोविड-19 यूपी में फिर तीन दिन का लॉकडाउन पोस्टल बैलेट का दायरा बढ़ाकर डेमोक्रेसी सिकोड़ने का खेल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज शुक्रवार 10 जुलाई की सुबह 8:00 बजे जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के फिर से रिकॉर्ड 26506 नए मामले सामने आए हैं इसके अलावा कोरोना संक्रमण के कारण 475 मरीजों की मौत भी हो चुकी है साथ ही इसी बीच कोरोना से पीड़ित 19135 मरीजों को ठीक किया जा चुका है देश भर में अब कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 793802 हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार अभी तक 8.42 फीसदी यानी चार लाख पंचानबे हज़ार पाँच सौ तेरह मरीजों को ठीक किया जा चुका है लेकिन संक्रमण के कारण इक्कीस हजार सौ चार मरीजों की मौत भी हो चुकी है इसी के साथ देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर दो लाख छिहत्तर हजार सौ पचासी हो गई है आईसीएमआर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक कुल एक करोड़ दस लाख चौबीस हजार चार सौ इक्यानबे सैंपल की जाँच की गई है जिसमें से दो लाख तिरासी हजार सौ उनसठ सैंपल की जाँच बीते चौबीस घंटों में ही हुई है वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में एक बार फिर तीन दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के संचरण की श्रृंखला में रोकने के लिए लॉकडाउन को फिर से लागू कर दिया है यह लॉकडाउन आज दस जुलाई शुक्रवार रात दस बजे से शुरू होकर तेरह जुलाई की सुबह पांच बजे तक रहेगा इस अवधि के बीच संपूर्ण प्रदेश के सभी कार्यालय शहरी और ग्रामीण हाट बाजार गल्ला मंडी व्यवसाय आदि बंद रहेंगे हालांकि आवश्यक सेवाएं की सप्लाई जारी रहेगी और ट्रेन और उड़ान सेवाएं भी वहीं उत्तर प्रदेश में आठ की हत्या के मौत हो गई है इस एनकाउंटर में चार पुलिसकर्मी भी घायल हुए कानपुर के एस दिनेश कुमार ने एनकाउंटर की पुष्टि की है एस दिनेश कुमार ने कहा कि जैसे ही एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ विकास दुबे घायल पुलिसकर्मी का पिस्टल छीन भागने लगा

इसके मुख्य आरोपी दुर्दान्त विकास दुबे को मध्य प्रदेश से कानपुर लाते समय आज पुलिस की गाड़ी के पलटने व उसके भागने पर यूपी पुलिस द्वारा उसे मार गिराए जाने आदि के समस्त मामलों की की माननीय सुप्रीम कोर्ट निगरानी में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए यह उच्च स्तरीय जांच इसलिए भी जरूरी है ताकि कानपुर नरसंहार में शहीद हुए आठ पुलिसकर्मियों के परिवार को सही इंसाफ मिल सके साथ ही पुलिस व आपराधिक राजनीतिक तत्वों के गठजोड़ की भी सही शिनाख्त की जा सके और उन्हें सख्त सजा दिलाई जा सके

तो पूरे देश की जो आवाम है देश का जो मीडिया है देश के जो सियासतदान हैं बहुत सारे अपोजिशन पार्टीज़ के सब लोग अलग अलग इश्यूज पे उलझे रहे गलवान में कोई घूमता रहा कोई कोई उत्तर प्रदेश के पुलिस का हिसाब किताब देखता रहा पुलिस कितनी निरंकुशता या पुलिस कितनी कितना दमन कर रही है वो कहानियाँ आती रहीं पुलिस पर कितना हमला हो रहा है क्रिमिनल्स का वो कहानियाँ आती रहीं लेकिन इस बीच में सरकार हर मोर्चे पर सफलतापूर्वक काम करती रही सफलतापूर्वक कहने का मेरा ये मतलब है कि बहुत तेज़ी के साथ अपने एजेंडे के तहत काम करती रही दूसरे लोग सरकार के एजेंडे में या बहुत सारे क्रिएटेड एजेंडे में आई मीन फंसे रहे लेकिन सरकार उसके दिमाग में जो था उसके जो निशाने पर जो था उसको वो अपना अपने ढंग से काम करती रही हाल के जितने फैसले सरकार के हैं दो तीन बड़े फैसले अगर आप उनको देखें तो ये बात बिल्कुल समझ में आने वाली है बिल्कुल कन्विंसिंग है लेकिन मैं सभी फैसलों के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं एक बहुत पर्टिकुलर फैसला जो इलेक्शन से जुड़ा हुआ है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी पिछले दिनों एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला किया और जाहिर है सरकार की पहल थी सरकार ने उसमें इनिशिएटिव लिया था सरकार ने इंडोर्स किया था और अब तो नोटिफिकेशन भी हो गया है वो क्या फैसला है वो यह है कि जो इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स हैं 1961 इसमें उसके धारा 27 ए में एक बड़ी तब्दीली की गई है इसमें बैलेट जो है पोस्टल बैलेट पोस्टल बैलेट का प्रावधान इस धारा में उल्लिखित है और पोस्टल बैलेट अब तक हमारे देश में सर्विसेज के जो लोग हैं जो अलग अलग जगहों पर तैनात हैं सुदूर इलाकों में और अपने घर पे नहीं आ सकते अपने निर्वाचन क्षेत्रों में नहीं आ सकते उनके लिए ये एक रूल है इसमें इंक्लूड भी किया गया था बाद के दिनों में 80 साल से अधिक उम्र के लोगों को तो ये लोग जो हैं ये पोस्टल बैलेट से भी अपना मतदान कर सकते हैं ये एक प्रावधान है लेकिन इस बार इसमें जो फैसला हुआ है और इलेक्शन कमीशन ने उसमें जो संशोधन प्रस्तावित किए थे उस पर सरकार की मंजूरी है सब कुछ है अब ये नोटिफाई हो चुका है लॉ मिनिस्ट्री से और वो ये है कि इसमें पैंसठ साल जो उम्र के लोग हैं और या पैंसठ साल से अधिक उम्र के लोग हैं वे सभी लोग अपना मतदान पोस्टल बैलेट से करा सकते हैं उनको मतदान केंद्र जाने की ज़रूरत नहीं है अब जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें बिहार के बारे में तो बिहार में जो मतदाता हैं टोटल मतदाता उसमें तकरीबन 10 फीसदी लोग 10 फीसदी बहुत बड़ी संख्या है वो इस दायरे में आते हैं कि 10 फीसदी लोग अपना मतदान पोस्टल बैलेट से करेंगे अक्टूबर और नवंबर में बिहार में इलेक्शन होने वाला है अगर उसमें कोई और तब्दीली ना आई तो इसका मतलब यह है कि जो पहले कुछ हजार मतदान होते थे या अधिक से अधिक एक आध लाख हो जाते थे अब वो लाखों में होंगे लाखों लोग एक प्रदेश में मतदान करेंगे पोस्टल बैलेट से और आप जानते हैं पोस्टल बैलेट कैसे होता है पोस्टल बैलेट में ब्यूरोक्रेसी की बहुत अहम भूमिका होती है नौकरशाही की अगर मैं कुछ दिनों पहले इलेक्शन प्रोसेस में बहुत लंबे अरसे तक जुड़े एक बड़े पदाधिकारी से बात कर रहा था तो उनका कहना ये था कि जो पोस्टल बैलेट है उसमें ये ये प्रावधान जरूर होता है प्रावधान तो नहीं लेकिन ये एक, एक, एक सहूलियत होती है प्रशासन को कि वो जिस बैलेट को चाहे उसको बता सकता है कि वो नहीं मिला और ऐसा कई प्रदेशों में हुआ और जब हुआ तो कंप्लेन आई और कंप्लेन लंबे समय तक अदालतों में पड़ी रहती है जिसका कोई फैसला नहीं आता पाँच साल बीत जाता है फिर फैसला आता है और कितने लोग जाएंगे जो पोस्टल बैलेट वाले हैं कंप्लेन करेंगे कि नहीं साहब हमारा मतदान तो दर्ज ही नहीं हुआ तो इसमें अधिकारियों के ऊपर जिला प्रशासन के ऊपर उस कॉन्स्टिट्युंसी के जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर बहुत सारा निर्भर करता है क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें जो एक मतदान की जो सिक्रेसी है जो गोपनीयता है जो पा, जो जो एक, एक शुचिता है इन तीनों का अभाव है दोस्तों तो ये एक ये एक इमरजेंसी प्रावधान है ये जनरलाइज नहीं किया जा सकता लेकिन अभी जो संशोधन किया गया है ये कोरोना दौर में कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में किया गया है और उसमें जो प्रावधान में जोड़ा गया है वो भी बताना जरूरी है कि कोरोना पेशेंट के लिए भी किया गया है ठीक है आप कोरोना पेशेंट के लिए अगर करते हैं ये कोई गलत बात नहीं है मैं समझता हूं कि यह कन्विंसिंग है क्योंकि अगर एक कोरोना पेशेंट मतदान करना चाहता है तो उसको रोका भी नहीं जा सकता उसको उसके मताधिकार से आप उसको वंचित नहीं कर सकते उसका नागरिक अधिकार है लेकिन अगर वो मतदान केंद्र पर जाता है तो उससे बहुत समस्या पैदा हो सकती है उसकी सेहत के लिए और दूसरों की सेहत के लिए आप उसके लिए अगर पोस्टल बैलेट करते हैं तो बात समझ में आने वाली है बशर्ते कि वो इस स्थिति में हो कि वो फैसला कर सके कि उसको मतदान किसको करना है और किसको नहीं करना है या बिल्कुल किसी को नहीं करना है कहीं ऐसा नहीं कि उसकी तरफ से कोई और फैसला कर ले तो एक ये खतरा पेशेंट्स में भी है लेकिन पेशेंट्स को जोड़ा गया है लेकिन उस पर हम कोई बड़ी आपत्ति मानवीय आधार पर नहीं उठा सकते लेकिन जो पैंसठ साल या उससे ऊपर के लोगों के बारे में किया गया है फैसला दोस्तों यह दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक मुल्क में अपने ढंग का अनोखा संशोधन है क्यों किया गया है क्या लॉजिक दी गई है ये कहा गया है कि वो कोरोना के इस दौर में एक उनको उन पर जोखिम है वो रिस्क में रिस्क वाले जोन में है उनकी उम्र जो है वो बुजुर्ग की है इसलिए वो अरे भाई अगर ऐसा है अगर आपको सचमुच ऐसा लगता है तो देश में जो पैंसठ साल के लोग हैं उनके घरों में प्रशासनिक स्तर पर हमें लगता है कि सब्ज़ी खान पान या जो ज़रूरत की चीज़ें हैं दवा वो सब प्रशासनिक स्तर पर आई थिंक होम डिलीवरी करा करानी चाहिए क्योंकि जो प्राइवेट संस्थाएं होम डिलीवरी की हैं वो बहुत सारी बहुत सारे क्षेत्रों में है नहीं लेकिन प्रशासन वो काम तो नहीं करा पा रहा है लेकिन बैलेट के लिए इतना चिंतित है कि उन लोगों से कह रहा है कि आप अपने घर से ही बैलेट जो है पोस्टल कीजिए पोस्ट कीजिए तो ये मुझे लगता है धांधली का एक बड़ा दरवाज़ा सरकार खोल रही है या इलेक्शन कमीशन इसको नहीं समझ पा रहा है या समझते हुए ये सब कुछ कर रहा है ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि पैंसठ से अधिक या पैंसठ के उम्र के लोगों को अगर आप ज़्यादा सुविधा देना चाहते हैं तो उनके लिए बैलेट आई मीन उनके लिए आप ई जो केंद्र हैं जो मतदान केंद्र हैं वहाँ आप ऐसा प्रावधान कीजिए कि उनके लिए दरवाजे अलग हों उनके लिए एक अलग मतदान केंद्र भी खोला जा सकता है कल्पना कीजिए कि एक मतदान केंद्र पर 4000 लोग हैं और पैंसठ से पार उम्र के लोगों की संख्या मान लीजिए वहाँ पर 1000 है आप उनके लिए अलग कर दीजिए मशीन अलग स्टाफ कर दीजिए ज़्यादा वहाँ केयर रखिए सैनिटाइज से, सेनिता, कीजिए सब कुछ वहाँ पर लेकिन सरकार ने ये ना करके पोस्टल बैलेट का दरवाजा उन्होंने तलाशा है और इस पर इलेक्शन कमीशन संपूर्णतः इसके पक्ष में है और नोटिफाई करा चुका है सब कुछ सामने है तो मैं समझता हूं दोस्तों इसका जो सबसे पहला प्रयोग है बिहार में होगा जहां अक्टूबर और नवंबर में चुनाव होने हैं इसके बाद बंगाल में होगा और बंगाल में चुनाव 2021 के शुरुआत में होना है अब इस पर शुरू में क्योंकि इस देश के सियासतदान मीडिया सब तो उलझे हुए थे कोई किसी गली में था कोई नदी घाटी में था कोई कहीं था आ, लेकिन सरकार और इलेक्शन कमीशन सब अपना काम कर रहे थे कम से कम इस मोर्चे पर भी उन्होंने कर दिखाया और अब जब कर दिखाया तो अपोजिशन की तरफ से सवाल उठने लगे हैं हमने सुना है कि इस पर अपोजिशन के लोगों ने इकट्ठा होकर पटिशन भी दिया है बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अब कांग्रेस पार्टी है सीपीआईएम है सीपीआई है आरजेडी है तृणमूल कांग्रेस है इन पार्टियों ने इसका विरोध किया है लेकिन उस समय विरोध जब करना चाहिए था तब उतनी आवाज़ें नहीं आईं अब थोड़ी आवाज़ें बढ़ी हैं लेकिन हमारा ये कहना है कि आप कभी गली में कभी घाटी में कभी बंगलों की लड़ाई में कभी इधर की लड़ाई में कभी उधर की लड़ाई में फंसे रहते हैं लेकिन सरकार और उसका प्रशासन बिल्कुल एजेंडा अपना साफ रखता है उसके निशाने बिल्कुल साथ रह, साफ़ रहते हैं बिल्कुल क्लियर रहते हैं इस मामले में मैं समझता हूं कि अपोजिशन हर बार की तरफ फिर देर किया है उसने लेकिन देर आए दुरुस्त आए इस मुद्दे ये मुद्दा केवल अपोजिशन का नहीं है ये देश के नागरिकों का सवाल है ये देश के मतदान के अधिकार से लैस उन तमाम लोगों का सवाल है डेमोक्रेसी का सवाल है इस तरह का जो नियम है वो दुनिया के किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में मैंने पता करने की कोशिश की जितना मैं खोज पाया तमाम कहानियाँ तमाम देशों के स्टोरीज़ गूगल पे मैं कहीं कहीं खोज नहीं पाया लेकिन अगर आपको मिले तो आप अगली बार ज़रूर बताइएगा मैं संशोधन कर लूँगा अपनी बात में लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी डेमोक्रेसी के लिए यह एक जोखिम है और जोखिम से लोगों को बचाने के नाम पर डेमोक्रेसी को जोखिम में डालने का ये जो कुचक्र है ये एक बहुत ही खतरनाक है तो आज इन शब्दों के साथ बस इतना ही नमस्कार आदाब सत श्री अकाल आज के डेली राउंड में बस इतना ही इन सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज़ क्लिक की वेबसाइट पर हमें फॉलो कीजिए ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम पर और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर देखते रहिए न्यूज़ क्लिक धन्यवाद